तो उसके ऊपर जो है कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड रिडक्शन, रिडक्शन में जो है क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है व्हेन दे आर गेन, तो वो आपके पास जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, दैट्स माइनस। ठीक है, जब माइनस आएगा तो दैट सब्सटेंस इज गोइंग टू बी रिड्यूस, राइट, दैट्स अ सिंपलर एग्जांपल। ओके, सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस दे आर कलेक्टिवली आल्सो नोन एज रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन की एक एग्जांपल बताई हुई है, लेट्स सपोज ये आपके पास एक सब्सटेंस है और आपके पास जो है एक ये वाला है, ठीक है, आपके पास एक मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल है। हम इसको पहले देख लेते हैं बी वाले को, अगर आप बी मॉलिक्यूल को देखें इसमें आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन्स दैट ये जो सब्सटेंस है आपके पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव भी नहीं है, सो इट्स न्यूट्रल, बट हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। एज कम्पेयर टू दिस सब्सटेंस हम इसको देखें तो दिस वन इज हैविंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने आपको बताया जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है दिस इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इट्स हैविंग द नेगेटिव चार्ज, सो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट्स हैविंग द नेगेटिव चार्ज। ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स सपोज ये रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व है, अब इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी या लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो सब्सटेंस है जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, ठीक है, मैंने आपको जैसे ऑक्सीडेशन का मैंने मतलब बताया कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन दिस सब्सटेंस इज गोइंग टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज, तो ए क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया, ए इज ऑक्सीडाइज। When this substance is going to lose its substance, its electrons, जब ये अपने electrons को loss कर देगा, तो ये आपके पास क्या हो गया, oxidize हो गया, and this process is known as oxidation, ठीक है, loss of electrons, this it will lose its electrons and it will get oxidized, ये आपके पास oxidize हो जाएगा, and this process is known as oxidation, ठीक है, मतलब oxidation आपके पास reducing substance होता है, लेकिन वो अपने जब अपने electrons lose कर देगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, oxidize हो जाएगा, and this step is known as oxidation. Now let's come to the reduction. Reduction में क्या होता है? अब ये आपके पास oxidizing agent है. It will gain the electron. इसने reaction में क्या किया कि इससे electrons ले लिए. Now this substance has gained the electrons. इसने जब electron gain कर लिया, तो ये अब आपके पास क्या हो गया? ये substance reduce हो गया. ठीक है? Now B is reduced. So this process is known as reduction. Why this is known as reduction and why this substance B is known as reduced? Because it has gained the electrons. इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, so the gain of electron is known as reduction and the loss of electron is known as oxidation. तो कैटाबोलिज्म मैंने आपको बताया, मोस्टली कैटाबोलिज्म में हमारे पास क्या होता है कि जो एक जो मॉलिक्यूल है उसकी जब आगे से वो आगे चलता रहता है, ठीक है, उसकी रिएक्शंस होते रहते हैं, वो फाइनली एक सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल में, तो वहां पे उसमें क्या होता है कि सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो लॉस हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से लूज हो रहे होते हैं, तो उसको हम ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहते हैं। सो ऑक्सीडेशन में ये आपके पास क्या होता है कि एनर्जी का रिलीज होता है, और जो दूसरा सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, क्योंकि वो क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ओके, तो हम कहते हैं जब बायोलॉजिकल सिस्टम्स, मतलब हमारे पास ये जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की जब बात करते हैं तो दैट्स द हाइड्रोजन एटम, हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशंस आर ऑफन डीहाइड्रोजनेशंस। तो जो ये रिएक्शंस होंगे हमारे पास उसमें हम तो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम का जब लॉस होता है या गेन होता है तो उसमें हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन द हाइड्रोजन इज लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन, तो उसको रिएक्शन से हाइड्रोजन का लॉस होगा तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और जब हाइड्रोजन का गेन होगा तो दैट मॉलिक्यूल विल बी नोन एज रिड्यूस, तो उसको हाइड्रोजन की गेन को रिडक्शन कहेंगे और उसको, लेकिन इसमें हम वो वाली टर्मिनोलॉजीज नहीं यूज करेंगे, इसमें हम डीहाइड्रोजनेशन की जो है वो टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे। ठीक है, जब हाइड्रोजन को लॉस होगा दैट रिएक्शन विल बी नोन एज डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है, हाइड्रोजन को लॉस होगा दैट विल बी द ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
but the it will be known as dehydrogenation, like the removal of hydrogen. It means like the oxidation. ठीक है, अच्छा, दिस इज द अनदर एग्जाम्पल. जैसे आपको बताया कि जो रिएक्शंस होते हैं उसमें हाइड्रोजन का लॉस और हाइड्रोजन की गेन, हम बेसिकली इसको यूज करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के प्रोसेसेस में. तो रिएक्शंस जब होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज होते रहते हैं. ठीक है, जो कैटाबोलिज्म की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो कैटाबोलिज्म में क्या कहा था कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं स्मॉलर में, एज ए रिजल्ट क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. तो मैंने बताया था कि एनर्जी जो रिलीज होती है वो डायरेक्टली भी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और दूसरा क्या होता है, कुछ कैरियर्स होते हैं जो क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करते हैं, उनको एटीपी मशीनरी के पास लेके जाते हैं और वहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है. तो बेसिकली वो जो कैरियर्स थे वो दो थे, वो एक आपके पास एनएडी है और दूसरा आपके पास है एफएडी. दिस इज एनएडी एंड एफएडी. तो एनएडी क्या है, एनएडी इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. तो एनएडी जो है, जो आपके पास सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं, ये कैरियर है, वहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, मतलब जो ऑक्सीडेशन हो रही है, हाइड्रोजन की बात करते हैं, जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस जो हो रहा है, उस हाइड्रोजन का क्या होगा, दैट हाइड्रोजन विल बी टेकन अप बाय द एनएडी. ठीक है, जो एनएडी है, जो कैरियर है, वो क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को कैरी कर लेगा. देन एनएडी जो है, ये आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, हाइड्रोजन उसमें से क्या हो गया, रिमूव हो गया. जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, दैट्स गोइंग टू बिकम सिंपलर, उसकी कैटाबॉलिज्म हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, उसमें से सब्सटेंसेस, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो रहे हैं. तो जो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, या जो हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो दैट विल बी टेकन अप बाय द एनएडी. एनएडी उसको कैप्चर करेगा, एंड एनएडी जो है वो क्या हो जाएगा, जब एनएडी उसको एक्सेप्ट करेगा, देन आपके पास एनएडी विल बी रिड्यूस इनटू द एनएडीएच. ठीक है, एनएडी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा एनएडीएच में. अब एनएडीएच जो है, दिस इज अ कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर. ठीक है, जैसे आपके पास जो व्हीकल्स होती हैं, जो गाड़ियां होती हैं, क्या होती हैं, सामान लेके जाती हैं. ठीक है, उसमें आप लोड करते हैं और देन वो लेके जाती हैं आपके डेस्टिनेटेड, अपने स्पेसिफिक डेस्टिनेशन या स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर. ठीक है, इसी तरह से जो एनएडी है, ये इस रिएक्शन में से उसको कैरी करेगा और एनएडीएच बनेगा. देन एनएडीएच जो है, इट विल कैरी दिस इलेक्ट्रॉन या इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ये जाएगा एटीपी मशीनरी के पास. फिर उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे आपके पास वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स उसको दिए जाते हैं, वहाँ कैसे ट्रांसफर होते हैं और वहाँ पे कैसे आपके पास एटीपी की सिंथेसिस होगी. दिस इज अनदर एग्जाम्पल. ठीक है, आपके पास एक और एग्जाम्पल है कि अब जो है, अब एनएडीएच यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, ये ऑपोजिट हो रहा है. जो आपके पास सिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं, एनाबोलिज्म के रिएक्शंस होते हैं, उसमें आपके पास क्या होगा कि उसमें रिडक्शन होगी. जो आपके पास सब्सटेंसेस हैं वो वापस से क्या होंगे, रिड्यूस होंगे. तो एनएडीएच जो है, इसमें से क्या होगा, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इट विल बिकम एनएडी. मतलब ये आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है. ठीक है, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, दैट हाइड्रोजन इज टेकन अप बाय दिस मॉलिक्यूल. तो ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज अगेन रिड्यूस. राइट, तो आपके पास एक और एग्जांपल है, क्योंकि यही एनएडी जब जब एटीपी मशीनरी के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो वहां पे ये वापस से क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देगा, उस एटीपी मशीनरी को दे देगा, मतलब ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, जब वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे डोनेट करेगा, हाइड्रोजन वहां पे देगा, तो ये वापस से ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ये जो एनएडी है, ये वापस से ऑक्सीडाइज होकर क्या होगा, वापस से जो है अपने जो डिफरेंट रिएक्शन है वहां पे रीयूटिलाइज होगा, वहां पे रीयूज होगा. अच्छा, दूसरे आपके पास है एफएडी की. दूसरा कैरियर आपको बताया कि क्या है एफएडी. एफएडी 11 एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. तो एफएडी भी सेम वैसे ही एनएडी की तरह एफएडीएच 2 है. इट मींस दैट इट हैज गेन्ड द इलेक्ट्रॉन्स. जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, यहां से स्टार्ट करते हैं. ओके, एफएडी आपके पास कैरियर है. ठीक है, एक जो है वो ट्रक है जो कि खाली है. ठीक है, इट विल बी लोडेड विद द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, या मतलब उसमें जो है वो लगेज उसमें लोड किया जाएगा. देन आपके पास क्या बन जाएगा, एफएडीएच 2. मतलब एफएडी जो है वो आपके पास अभी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है. इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फूड मतलब जो आपको मैंने बताया कि जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस आपको दिखाई थी. ठीक है, जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है वहां से जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगी, उसकी ऑक्सीडेशन होगी. ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जब हाइड्रोजन रिलीज होंगे, दैट विल बी टेकन अप बाय द एफएडी, एंड एफएडी विल बी कन्वर्टेड इनटू द एफएडीएच 2. ठीक है,
ठीक है, ये आपके पास रिडक्शन का प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एंड रिजल्ट इट विल गेट रिड्यूस, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल बिकम FADH2, राइट. अच्छा, नाउ FADH2, ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जाएगा, ये कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स को मिल गए हैं, ठीक है, नाउ इट्स लोडेड विद लगेज. अब ये जाएगा ATP मशीनरी के पास, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, और वहां पे क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वहां पे ट्रांसफर करेगा. जब हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब डिहाइड्रोजनेशन से वापस से वहां पे होगी, तो वहां पे जब डिहाइड्रोजनेशन होगी, वापस से जो है FADH विल बी ऑक्सीडाइज टू FAD, ठीक है. तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन, मतलब ये तो आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो उसके कम उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे, जो वहां पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे. ओके, सो ATP के हम बात कर रहे हैं कि जो है ATP सिंथेसिस होती है, तो ATP है क्या, आपको ATP के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सब हम मेटाबॉलिज्म जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें सारी ATP की यूटिलाइजेशन और जो है जनरेशन, फॉर्मेशन, इस सब की बातें ही मेटाबॉलिज्म में होती हैं. द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज द ATP. सो ATP जो है बेसिकली क्या है, क्या एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, ट्राई मीन्स थ्री फॉस्फेट, इट मीन्स दैट कि इसमें क्या होंगे, आपके पास थ्री फॉस्फेट अटैच होंगे, एडिनोसिन होगा टुगेदर विद द थ्री फॉस्फेट. तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, आपके पास पहले होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन दो फॉस्फेट होते हैं, इनर्जी, इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी वो इसको कहाँ से मिलती है, ATP की सिंथेसिस कैसे होती है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी सिर्फ ATP का भी पता होना चाहिए कि ATP है क्या, एनर्जी है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको दिए जाते हैं, फिर वहां पे ATP की सिंथेसिस होती है, तो ये जो एनर्जी आ रही है, जो कैटाबॉलिज्म में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन की सिंथेसिस में कैसे यूज हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन की सिंथेसिस में ऐसे यूज हो रही है कि एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है, कि अगर आपके पास ADP प्रेजेंट होता है, ADP भी जैसे आपके पास NADH प्रेजेंट होता है, FAD प्रेजेंट होता है, ऐसे ही ADP जो है वो भी प्रेजेंट होता है. तो ADP जो है वो एनर्जी इसको चाहिए होती है, जो कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस से इसके पास जो एनर्जी आती है, वो एनर्जी कहाँ यूज होती है, वो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू अटैच दिस फॉस्फेट, ठीक है, वो क्या करता है कि फॉस्फेट को अटैच करता है ADP के साथ, और आपके पास क्या करता है, ATP की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, ATP की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. दूसरा, ये तो आ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के. सबसे पहले मेटाबॉलिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, पहला मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं. दूसरा आपके पास होता है ग्रुप ट्रांसफर. तो ग्रुप ट्रांसफर जो है, इसमें एग्जांपल और कौन से रिएक्शंस होते हैं, किस किस्म के ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस होते हैं. ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस में क्या होता है,